नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिविला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 77, साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं? बेस इंडिकेटर आर डाइस। एसिड बेस जो इंडिकेटर होते हैं, इनके बारे में बात हो रही है कि ये डाइस होती है, मिक्सचर ऑफ डाइस होते हैं, विच आर यूज टू इंडिकेट, ये बताते हैं किसी भी चीज में एसिड है कि नहीं है। तो उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है, चैप्टर से हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वर्कशीट। बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे काफी सारे आ सकते हैं और बहुत सुंदर भी बनाई हुई है ये। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेम द सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। जो भी एसिड है उनके सोर्स का नाम बताना है। जैसे सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है, कोई भी सोर्स जो भी है, लेमन से मिलता है या जो भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं जो उनसे ये मिलता है, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, तो उनसे मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच से मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। नाउ ये हो गए तीन बॉक्स पूछे थे, तीन हमने आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर दो। नेम सम नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। कुछ नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताना है। नेचुरल इंडिकेटर बच्चे वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जो मैनमेड नहीं होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। और सिंथेटिक क्या होते हैं? जो मैनमेड होते हैं, यानी जो मैन ने बनाए हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है, चलिए देखते हैं। लिटमस, लिटमस एक लाइकन प्लांट से मिलता है। रेड कैबेज है, नेचुरल है, और इसका जूस है, और टर्मरिक हल्दी जो है नेचुरल है। तो ये सारे तो नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब आता है सिंथेटिक, यानी कि जो मैनमेड है, वो है फिनोलेफथ्रिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये सिनोलेथिक, ये जो है दोनों मैनमेड इंडिकेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री यानी जो कि स्मेल से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? ये स्मेल से रिलेटेड है। गिव वन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्डर, यानी बेस या एसिड सॉल्यूशन में डिफरेंट ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं, यानी स्मेल को बताते हैं। जैसे कि अनियन है, अनियन जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और क्लब ऑयल्स भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अनियन जैसे अब देखिए महक उसकी होती है ना, तो महक एक। क्वेश्चन नंबर फोर। व्हाई डज ड्राई एक्सचेंज नॉट गैस जो है नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो ये वो ड्राई HCl डज नॉट स्प्लिट इनटू H प्लस NCl आयन में, सो इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। क्वेश्चन फाइव क्या है? नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन सिक्स है। हाउ कैन वी टेस्ट एसिड एंड बेस विद केमिकल। हम बताएंगे कुछ केमिकल्स, कुछ दिखाएंगे यहाँ पे। मेटल कार्बोनेट है तो इसमें कुछ बनता है सॉल्ट वगैरह। प्लस में क्या होता है, मेन चीज ये है वाटर एंड CO2 जो है एसिड होगा। एसिड के अगर रिएक्शन होगा किसी भी मेटल कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट हो गया ना, तो मेटल कार्बोनेट हुआ, तो ये जो है एसिड का रिएक्शन होगा तो H2O वाटर निकलेगा मेन, और CO2 गैस, ये मेन चीज है। और बेस में होगा तो नो रिएक्शन। ऐसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड में रिएक्शन होगा तो H2O और वाटर निकलेगा, साथ में सॉल्ट तो होता ही है, ये सॉल्ट प्लस ये, एंड बेस में रिएक्शन होगा तो नो बेस का नो रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड H2O वाटर बनेगा, और बेस का अगर रिएक्शन होगा तो कोई नहीं होगा रिएक्शन, नो रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन। राइट एनी थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बेस और एसिड की तीन फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखिए एसिड सोर होते हैं टेस्ट में, खाने में स्टिकी होते हैं, चिपचिपे टाइप के, और रिएक्ट फ्रिक्वेंटली मेटल के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बट बेस जो है टेस्ट में बिटर होते हैं, नो स्मेल एंड स्लीपरी होते हैं। तो ये तीन और तीन इसके दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है? गिव बिलो द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन टेस्टेड विद यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर। एक पेपर इंडिकेटर की मदद से आपने इसका रिएक्शन किया तो आपको ये बताना है। सबसे मेन क्या है कि वॉशिंग लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल पॉलिश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसको हमें बताना है। तो आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब एक कलर है इसके यहाँ पे, तो यानी कि अरेंज द सॉल्यूशन विद पीएच इंक्रीजिंग वैल्यूज। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, ठीक है। रेड है ना इसका,
रेड आपका बिल्कुल रेड जोन में चला जाता है। तो रेड की तरफ यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आएगा रेड के पास थोड़ा थोड़ा जाइए, येलो हो गया, येलो हो गया, येलो यानी कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग लिक्विड, वॉशिंग लिक्विड। और उसके बाद क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइट ब्लू, तो ये होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड देन मेटल पॉलिश डार्क ब्लू, मेटल मेटल पॉलिश। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द कलर ऑब्टेन ऑन पीएच पेपर फॉर हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक। हाईली सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, अब न्यूट्रल होते हैं, उनका हमें कलर बताना है पीएच पेपर पे क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो हाईली एसिडिक है उसका तो रेड कलर होता है, और हाईली बेसिक है उसका वॉयलेट यानी डार्क कलर होता है, वॉयलेट बोलते ना विविग्योर जैसे में वॉयलेट होता है डार्क में, और इसका न्यूट्रल वाले का ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आप लोग पीएच स्केल पे बताइएगा रेंज क्या होती है, उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।